सभी फूल लेने के लिए आए हुए हैं और अभी सोनर पट्टी की तरफ है, थोड़ा सा आगे जाने के बाद गरीब स्थान मंदिर पड़ता है गाइस। अब नहीं देखे, इधर घूमो, हाय कर दो, जय माता दी बोल दो। और अभी कपूर लेके जाना है, पूजा का सारा सामान ले आए थे, बस कपूर ही लाना छूट गया था गाइस, मतलब कि भूल गए थे, तो अभी कपूर का जरूरत है। माला लेने के लिए आए हुए हैं जो कि रेडीमेड होता है ना वो वाला। एक और आप लोग मौसम देख लो और आप लोग बताओ कि बरसात होने वाला है या नहीं है, आप लोग देख के बताओ। पूरी बन के रेडी हो चुका है और दोनों दीदी मिलकर बनाई है पूरी, एक ही और एक ये रही। सो गाइस दोनों दीदी मिलकर बनाई है पूरी, मतलब बाइक बाहर निकाले और यहाँ से बस बांध तक ही गए, बांध तक गए, उसमें इतना तेज बारिश। वेलकम बैक टू वी अनदर ब्लॉग। क्या हाल चाल है आप सभी के, आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस अभी सुबह के बज रहे हैं 7, सो गुड मॉर्निंग। और गाइस आज 15 अगस्त है, मतलब कि आज है इंडिपेंडेंस डे, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस, हैप्पी स्वतंत्र दिवस। और गाइस अभी सुबह सुबह जाना है मार्केट हमको और छोटे वाले चीजू को, बिकॉज आज उनकी मम्मी का बरखी है गाइस, मतलब कि चीजू के मम्मी का डेथ हुए पूरा 1 साल हो चुका है, तो 1 साल में बरखी होता है गाइस, और बरखी में पूजा होता है शांति के लिए। और अभी जाना है मार्केट और मार्केट से लाना है हवन के लिए लकड़ी लाना है गाइस, और माला लाना है, फूल लाना है, मिठाई लाना है, और कैसे बहुत सारा चीज है जो कि लेकर आना है। तो चलते हैं और आप लोग को भी दिखलाते हैं गाइस। सो गाइस अभी फूल लेने के लिए आए हुए हैं और अभी सोनर पट्टी की तरफ है, थोड़ा सा आगे जाने के बाद गरीब स्थान मंदिर पड़ता है गाइस। गाइस अभी आए हैं माखन स्वीट से मिठाई लेने के लिए, और देखो ये है मार्केट गाइस, और वहाँ पे है माखन स्वीट्स। सो गाइस अभी माला लेने के लिए आए हुए हैं जो कि रेडीमेड होता है ना वो वाला। तो गाइस सारा सामान लेकर वापस घर पे आ चुके हैं हम, ये अलीगढ़ से लाने के लिए। फिलहाल तो अभी अमनी को जा रहे स्कूल छोड़ने के लिए और अमनी रेडी हो चुकी है, तो चलते हैं गाइस जल्दी से अमनी को स्कूल छोड़ के आते हैं। हाँ चलो इधर आओ, चलो चलो अमनी देखे, इधर घूमो, हाय कर दो, जय माता दी बोल दो। चलते हैं गाइस, अवनी आ गई स्कूल, ये रहा अवनी का स्कूल, बहुत दिनों बाद हम आए अवनी को छोड़ने के लिए ना अवनी। आज अवनी जलेबी खाएगी, जलेबी खाएगी बोल रही है, जलेबी खाएंगे, झंडा फहराएंगे, जलेबी खाएंगे, जा गाइस। अपनी को स्कूल छोड़ चुके हैं, अब चल रहे हैं वापस घर, की गर्मी बहुत लग रहा है, बहुत ज्यादा। सो गाइस वापस घर पे आ चुके हैं और चलते हैं अब नहाने के लिए, क्योंकि गर्मी से बहुत ज्यादा पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया। और देखो ना आज इतना कड़क कड़क धूप निकला हुआ है, और सारा सामान लेकर जब मार्केट से आ गए ना, तब जाके हल्का हल्का छांव हो रहा है। देखो देखो गाइस बादल देख रहे हो, अभी उतना धूप नहीं है ना, पर जैसे मार्केट गए थे उसमें देखे ना क्या ही भयंकर वाला धूप था, बाप रे बाप, हालत खराब हो गया। नहाकर रेडी हो चुके हैं और अभी कपूर लेके जाना है, पूजा का सारा सामान ले आए थे, बस कपूर ही लाना छूट गया था गाइस, मतलब कि भूल गए थे, तो अभी कपूर का जरूरत है, तो चलते हैं कपूर लेकर। और हम घर पे आए थे तो फिर पापा मम्मी को ले गए थे, तो मम्मी को छोड़कर पापा आ चुके हैं, पापा भी दुकान पे है, तो चलते हैं हम जल्दी से कपूर लेकर। सो गाइस कपूर दे चुके हैं और अपनी को स्कूल से लाना है, 11:30 बजे लाना था, 11:30 यहीं पे बज रहा है, तो जल्दी से चलते हैं अपनी को लेकर आते हैं। उसके बाद पंडित जी लोग आए हुए हैं, तो आप लोग को भी दिखलाते हैं, पहले अपनी को लेकर आते हैं। तो गाइस आ चुके हैं अपनी के स्कूल में और गार्ड साहब गए हैं अपनी को लाने के लिए, और ये देखो ये स्कूल है, और लेट हो चुका है गाइस, सारे बच्चे लोग जा चुके हैं, एक का दो बच्चा ही बचा हुआ है। देखो किसी का भी बाइक नहीं है, बस एक बाइक इधर है और एक बाइक वो मेरा है गाइस, लेट हो गया, कोई नहीं। लो भाई अपनी को लेके वापस आ चुके हैं, और पता है गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गर्मी। अपनी आ गई, अपनी को स्कूल से मिला है एक गुड्डे, बिस्किट, पेंसिल, कटर, रबर ना अपनी।
और अपनी बोल रहे थे मैडम सब साड़ी पहन के आई है। हाँ चलो चलते हैं, गर्मी लग रहा है। तो गाइस वापस घर पे आ चुके हैं, मतलब कि दीदी घर पे अम्मी को भी लेकर आ चुके हैं और अभी जाना है फिर से वापस घर पे क्योंकि पापा अभी तक नहाए नहीं है, मम्मी को छोड़कर चले गए थे और फिर उसका कपूर छूट गया था तो फिर कपूर लेकर अम्मी आ गए, फिर उसके बाद अम्मी को लेकर लाने चले गए स्कूल से, स्कूल से वापस ले आ चुके हैं और पापा भी नहाए नहीं है दुकान में, तो चलते हैं दुकान में फिर पापा नहा लेंगे तो दुकान में बैठ जाएंगे फिर उसका फिर यहाँ पर आ जाएंगे। अभी एक ही पंडित जी आया, अभी और भी पंडित जी आने वाले तो अभी नहीं आए हैं, तभी उतना कोई काम नहीं है तो चलते हैं जल्दी से घर पे, पापा भी नहा लेंगे। सो गाइस देखो अभी एक ही पंडित जी आए हैं जो कि अभी पूजा का तैयारी करवा रहे हैं और फिलहाल तो चलते हैं घर पे और पापा भी नहा लेंगे। और गाइस आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा उमस हो चुका है, एकदम उमस वाला गर्मी लग रहा है। कोई नहीं चलते हैं जल्दी से घर पे। सो गाइस अभी दुकान में आए हैं बिकॉज पापा गए थे नहाने के लिए और नहा भी लिए और खाना भी खा लिए और अभी सोच रहे थे जाने का दीदी के घर पे, बट देखो यार बरसात हो रहा है और बगल में तो जाना नहीं है, रास्ते में तो भींग ही जाएंगे, अब बरसात का ख़त्म होने का वेट करते हैं। और देखो नीचे धूप भी निकला हुआ है, भाई ये कैसा बरसात है यार, अब बरसात रुकने का वेट करते हैं कहीं उधर पूजा ना कंप्लीट हो जाए। यार दीदी कॉल की थी, बोली थी पंडित जी लोग आ चुके हैं तो शायद पूजा ना कंप्लीट हो जाए। सो गाइस ये वीडियो दीदी शूट कर रही है और हम तो यहाँ पे थे नहीं बिकॉज हम तो घर पे थे फंसे हुए बरसात में। तो गाइस देखो इधर अभी पूजा हो रहा है बरखी का और यहाँ पर जिया जी बैठे हुए हैं तो यहाँ पर पंडित जी अभी करवा रहे हैं बरखी का पूजा। सो गाइस वापस घर में आ चुके हैं क्योंकि अभी वहाँ पर पूरी बनाने के लिए तसला चाहिए जो कि बड़ा वाला तसला यहीं पर रखा हुआ है, वहाँ पर नहीं है तो वो लेकर जाना है। और गाइस पूजा कंप्लीट हो चुका है और क्या ही कर सकते हैं, यहाँ पे तो बरसात हो रहा था इस वजह से नहीं जा पाए, बाकी पापा को अभी दुकानें भेज दिए क्योंकि अभी तसला का जरूरत है पूरी बनाने के लिए, तो चलते हैं तसला लेकर। और गाइस देखो अभी बरसात खत्म हुआ है और गाइस एक बार आप लोग मौसम देख लो और आप लोग बताओ कि बरसात होने वाला है या नहीं है, आप लोग देख के बताओ, क्या ही तगड़ा बादल है ना गाइस, भयंकर वाला बरसात होने वाला है। अभी तो भयंकर वाला बरसात हो ही रहा था, अभी फिर से होने वाला और बादल अभी भी आवाज कर रहा है, बाकी मौसम एकदम ठंडा हो चुका है, चिल्ड वाला मौसम जिसको बोल सकते हैं गाइस। और बादल तो देखो भाई क्या ही बादल है यार, देखो बरसात कहीं हो ना जाए इससे पहले निकल जाते हैं घर से वरना फिर फंस जाएंगे। तो चलते हैं और मिलते हैं आपको सीधा अब दीदी के घर पे गाइस। हाँ गाड़ी बाहर निकाल दिए गाड़ी धुलने के लिए ना गाइस साहब, यार क्या ही बोले, मतलब बाइक बाहर निकाले और यहाँ से बस बांध तक ही गए, बांध तक गए उसमें इतना तेज बारिश होने लगा, इतना तेज बारिश होने लगा गाइस आप मेरा कपड़ा देख सकते हो सारा भीग चुका है यार, वापस आना पड़ा। बरसात देखो कितना तेज हो रहा है, बरसात रुकने का इंतजार करते हैं, देखो कितना तेज बरसात हो रहा है, बस बांध तक ही गए ना, बस उतना ही में पूरा भींग गए, देखो सर वर सब भींग गया, कपड़ा वगैरह सब कुछ भींग गया ऊपर से लेकर नीचे तक और हवा भी चल रहा है, बाकी ठीक है क्या कर सकते हैं, बरसात तो हो रहा है, होने दो बरसात रुकेगा उसके बाद ही जाएंगे। तो गाइस बरसात बंद हो चुका है तो अब चलते हैं वरना फिर से ना बरसात होने लग जाए, गेट वेट बंद कर देते हैं क्योंकि ऊपर कोई नहीं है ना, पापा तो दुकान में है, तो चलते हैं और मिलते हैं आपको सीधा दीदी के घर पे वरना फिर बरसात होने लगेगा। तो गाइस प्लान थोड़ा हो गया है चेंज, अभी हम तो नहीं जाएंगे पापा जाएंगे बिकॉज पापा एक बार भी नहीं गए हैं वहां पर आज, बस मम्मी को छोड़ने गए थे और नीचे से ही चले आए थे बिकॉज पापा को काम था और हम तो सुबह से वहीं पे थे, मतलब कि शॉपिंग वगैरह जितना भी पूजा करना था हम जी किए फिर वहां पर भी हम थे, तो पापा एक बार भी नहीं गए हैं तो सोचते हैं कि पापा ही चले जाते हैं बिकॉज मतलब कि अब हम जाएंगे तो फिर पापा तो नहीं जा पाएंगे ना क्योंकि किसी एक को तो दुकान में रहना ही होगा और एक ही बाइक है तो ट्रिपल लोडिंग करके, तो मतलब ट्रिपल लोडिंग तो वैसे भी हम लोग नहीं करते हैं और ट्रिपल लोडिंग होगा भी नहीं बिकॉज हम है मम्मी है पापा है तो एडजस्ट नहीं हो पाएगा, तो मतलब कि या तो हम ही जाते हैं या तो पापा ही जाते हैं, तो अभी पापा बोल रहे हैं कि हम ही चले जाते हैं, हम एक बार भी नहीं गए हैं, तुम तो सुबह से वहीं पे था, तो अब हम बोले ठीक है जैसा आपका मन, तो अब पापा ही जाएंगे गाइस और हम बैठेंगे दुकान में
बट कोई नहीं। और गाइस एक चीज और, मतलब बरसात पूरा काम खत्म कर दिया गाइस, पूरा काम गड़बड़ा दिया है। एक तो उस समय बरसात होने लगा जिसमें पूजा हो रहा था, पूजा कंप्लीट बरसात भी हो ही रहा था, फिर बरसात रुका, फिर पंडित जी लोग थे वो लोग आए, फिर बरसात जो अभी हम जाने वाले थे बरसात बहुत तेज होने लगा। तो गाइस पूजा पाठ तो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है और पंडित जी लोग को खाना भी खिला चुके हैं गाइस, दीदी जी लोग सभी लोग, मतलब जो जो वहाँ पे मम्मी वगैरह, तो सभी पंडित जी लोग जितने भी आए थे और सभी लोग खाना खा चुके हैं गाइस। बरसात को जैसे सारा प्लान सारा काम गड़बड़ा गया, अब क्या ही कर सकते हैं, तो अब जाने का कोई मतलब भी नहीं है। तो अब पापा वैसे ही बोल रहे थे कि हम जाएंगे, तो पापा ही को जाने देते हैं। सो गाइस पापा वापस घर पे आ चुके हैं और अभी गए दुकान में और अभी हम ऊपर आ गए हैं गाइस, और मम्मी अभी नहीं आई है तो अभी जा रहे हैं मम्मी को लाने के लिए, मतलब कि जाएंगे आधा एक घंटा बाद ही आएंगे। और दीदी को पेपर चाहिए था तो पेपर भी ले चुके हैं, न्यूज पेपर, तो चलते हैं। और जिया जी का सर में दर्द है गाइस, तो जिया जी के लिए सर का दर्द का दवा लेना है सेरोडॉक्स, तो चलते हैं और मिलते हैं आपको अब सीधा वहीं पे। One hour later. So guys, आ गए हैं दीदी के घर पे और देखो गोदी में है डोलू और इधर है अवनी और इधर चल रहा है कूलर जिससे आ रहा है ठंडा ठंडा हवा। ठंडा ठंडा हवा आ रहा है डोलू, ठंडा ठंडा हवा आ रहा है। और गाइस दीदी मम्मी और एक बगल की दीदी है वो लोग मिलकर बना रही है पूरी डांस कर रहा है डोलू, तो वो लोग बना रही है मिलकर पूरी गाइस, और सब्जी वगैरह सब कुछ बना, वैसे पूरी बना रही है खुद के खाने के लिए, हम लोग के खाने के लिए गाइस। और मम्मी आ गई है, मम्मी इधर दही चूड़ा लेकर आई है देखो। तो भाई गर्मी इतना ज्यादा है ना, अभी कूलर से एकदम ठंडा ठंडा हवा आ रहा है। डोलू डोलू। तो गाइस पूरी बन के रेडी हो चुका है और दोनों दीदी मिलकर बनाई है पूरी, एक ये और एक ये रही। सो गाइस दोनों दीदी मिलकर बनाई है पूरी और ये देखो इधर बच्चा पार्टी खा रहा है, और ये अवनी को देखो, ये देखो इसको ज्यादा गर्मी लग रहा है, तुम ही को। और गाइस ये देखो ये रहा भोज, जिसको भी कहते हैं भोज, पूरी आलू परवल का सब्जी और बुनिया और जलेबी और दो तरह का मिठाई और इधर है ठंडा पानी। तो चलते हैं खाना खाने के लिए गाइस। और गाइस ये रही आंटी जी, मतलब कि जिया जी की मम्मी, इन्हीं का था आज बड़की। गाइस खाना पीना सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, बाहर बिजली चमक रहा बहुत तगड़ा वाला और बरसात भी होने वाला गाइस, पूरा बादल लगाया हुआ है। तो चलते हैं वापस घर और देखो इधर ढोलू सो चुका है और इधर अपनी मोबाइल चला रही है, और सभी लोग खा चुके हैं और दोपहर में तो पूजा हो गया था, पंडित जी लोग भी खाकर चले गए थे और कुछ लोग आए थे अगल बगल के, वो सब लोग खाकर जा चुके हैं, लास्ट में हम लोग बचे थे, हम लोग भी खा चुके हैं। फिलहाल अब चलते वापस घर क्योंकि टाइम भी 9:30 बज रहा है गाइस, देखो 9:30 बजने वाला है। तो चलते हैं वापस घर पे गाइस और मिलते हैं आपको सीधा घर पे। सो गाइस वापस घर पे आ चुके हैं और टाइम 10 बज रहा है। और गाइस एक तो दोपहर में भींग गए थे बरसात में, तो पूरा टी शर्ट पैंट्स पूरा चीज भींग गया था और अभी भी मतलब हल्का हल्का भींगा ही हुआ है, ऊपर से गर्मी इतना ज्यादा लग रहा है ना कि और पसीना से भींग गया। तो चलते हैं जल्दी से फ्रेश होते हैं और कपड़ा वगैरह ये सब चेंज करते हैं। और गाइस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, आई होप आप लोग वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में नया चैनल कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना गाइस, जिससे कि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहती है। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइस। बहुत भयंकर वाला गर्मी लग रहा है।